वक्ता और श्रोता, इन दोनों में बड़ा किसको बताया गया पता है? श्रोता को। अक्सर आप देखोगे कि जहां पर भी कथा होती है वक्ता की पूजा होती है, उसको तिलक किया जाता है, मालाएं पहनाई जाती है, ये केवल एक व्यास गद्दी की मर्यादा होती है। अपितु शास्त्र तो श्रोता को बड़ा बता रहा है, बोले श्रोता बड़ा होता है, श्रोता बड़ा कथा सुनने वाला बहुत बड़ा उसको बताया गया। इस भागवत में सुखदेव भगवान से ज्यादा जय जयकार परीक्षित की हुई है, क्योंकि उसने सुना है भगवान की कथा को सुनने वाला। हमारे एक महात्मा जी तो बड़ा मजाक में कहा करते हैं, बोले वक्ता तो चौकी पर बैठता है, हैं? और श्रोता बोलो ना जमीन पर बैठता है, तो चौकी पर बैठने वाला कौन हुआ? चौकीदार। और जमीन पर बैठने वाला जमींदार, तो बड़ा कौन हुआ? है जमींदार बड़े होते कि नहीं? तो हर मायने में आप बड़े हो। अच्छा, जो कुर्सी पर बैठते हैं उनको क्या कहा जाएगा? बोले वो कहीं के नहीं, तो चौकीदार ने जमींदार बीच में रह गए। मजाक कर रहा हूं,